गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम क्लास वन के लिए हिंदी में पढ़ेंगे वर्णों को जोड़कर शब्द लिखो। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वर्ण लिखे हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है चौड़ चढ़, इसको बना के मैंने बनाया जोड़ के चौड़ चढ़। ऐसे ड प्लस र, इसको आपको बनाना है डर। म प्लस त, इसको बनाना है आपको मत। त प्लस न, इसको बनाना है आपको तन। म प्लस न, इसको बनाना है अपने मन। ध प्लस न, इसको बनाना है धन। क प्लस र, इसको लिखना है कर, कौर कर। स प्लस ब, इसको बनाना सब सब। प ल पढ़, इसका बनेगा पढ़। तो ये वर्णों को जोड़ के आपको शब्द लिखने हैं। आज मैं इसमें करेंगे बिफोर आफ्टर और बिटवीन। बिफोर ये 9 नंबर से आपको अगर 1 to 100 अच्छे से याद है तो आप कोई भी नंबर को फिलअप कर सकते हैं। 9 से पहले आता है 8, 18 से पहले 17, 6 से पहले 5, 25 से पहले 24, 46 से पहले 45, 70 से पहले 69। आफ्टर में इसके बाद का नंबर, 10 के पहले 11, 54 के 55, 98 के बाद 99, 25 के बाद 26, 68 के बाद 69, 87 के बाद 88। ऐसी बिटवीन यानी इन दोनों के बीच के नंबर। बिटवीन मीन्स बीच, 16 और 18 के बीच में आएगा। 16 के बाद आपको पता 17 आता है। 24 और 26 के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना, 24 क्या जस्ट आफ्टर आपके मैंने क्या लिखना है 25, तो ये आपका फिलअप हो गया। वैसे 70, 71, 72, 86, 88 के बीच में 87, 54, 56 के बिटवीन में 55, 35 और 37 के बिटवीन में 36। ये थे मैथ्स में बिफोर आफ्टर बिटवीन। ये डू दिस वर्क इन नोटबुक, वर्क को अपनी नोटबुक में कीजिए। हम आते हैं आज इंग्लिश में आज रिविजन करेंगे फिर से वॉवल्स का। वॉवल्स जैसे आपको पहले भी पढ़ाए थे मैंने, वी ओ ई डब्ल्यू ई एल एस वॉवल्स। जहाँ पर ए ई आई ओ यू आएगा वहाँ पर एन का यूज़ होगा, और अदर अल्फ़ाबेट्स के साथ आपका अ का यूज़ होगा। जैसे ऑरेंज की स्पेलिंग ओ से शुरू हो रही है तो उसके आगे हम एन का यूज़ करेंगे। ऐसे आउल की स्पेलिंग ओ से शुरू है तो एन। अब यहाँ पर बी ए एल एल बॉल, तो बी आपका वॉवल नहीं है तो अ से स्टार्ट होगी। जैसे आ मंकी, ये भी वॉवल नहीं है तो आ होगा। कैट में भी आ होगा। अ ज़ेब्रा, यूनिफॉर्म आपका वॉवल है तो एन। आई ई वॉवल है तो एन। एप्पल आपका वॉवल है तो एन होगा। कैरेट आपका अ कैरेट। गाजर एक, सी वाउल नहीं है। बी भी यहाँ पर आप वाउल नहीं तो आ यूज़ होगा। आइसक्रीम आपका वाउल से तो ए एन का यूज़ होगा। तो ये आपको खुद फिलअप करने हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए ए ई आई ओ यू वाउल्स का। तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और करिए। ई वी एस में आते हैं आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? जो हम घर के बाहर खेलते हैं, जो हम सिर्फ वही गेम जो हम सिर्फ बाहर ही खेल सकते हैं, घर के अंदर नहीं खेल सकते। आउटडोर गेम्स होते हैं हॉकी, एच ओ सी के ई वाई हॉकी। नंबर टू बी ए एस के ई टी बी ए एल एल बास्केटबॉल, एफ ओ ओ टी बी ए एल एल फुटबॉल, वी ओ एल एल ई वाई वॉलीबॉल, बी ए एल एल वॉलीबॉल। इसको वॉलीबॉल फोर्थ नंबर पर हो गया वॉलीबॉल। फिफ्थ नंबर क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट। सिक्स नंबर है जी ओ एल एफ गोल्फ। और इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने बनाए। इन डैश वी यूज़ ओनली अवर फुट। हम इस गेम में केवल अपने फुट का यूज़ करते हैं। फुट में मतलब पैर का यूज़ करते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल में किस में करते हैं आपको पता है? फुटबॉल में। इन फुटबॉल वी यूज़ ओनली अवर फुट। विच इज़ अवर नेशनल गेम, हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी कि वॉलीबॉल? तो हमारा नेशनल गेम है हॉकी। हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम।
तो ये आज का वर्क था, इसको आप अपनी कॉपी में राइट और लर्न कीजिए और अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। टेक केयर किड्स, ओके, गुड बाय।